तो मैं एक बात पूछूं आपसे, वो यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना परसेंट वोट मिला था? नहीं मिला ना, वोट तो नहीं दिया लोगों ने, लोगों ने अपना नेता नहीं मानते हैं, मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूं। मैं मालूम करता हूं कि आप ये कहते हैं कि लोग ओवैसी को अपना नेता मानते ही नहीं, और उसके लिए आपने दलील ये दी है कि देखो यूपी में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और अभी फिलहाल उन्होंने तेलंगाना में जोर और शोर के साथ इलेक्शन लड़ा और उनके कैंडिडेट खड़े हुए, कितने वोट उनको मिले। तो मेरा सवाल मौलाना से ये है कि मौलाना इलेक्शन तो आपने भी लड़ा है, एक मौके पर कैंडिडेट तो किसी पार्टी के आप भी बने थे, आपको कितने वोट मिले थे? तो इसका मतलब यह है कि लोगों ने आपको नेता माना ही नहीं, लोगों के नेता तो फिर आप भी नहीं हुए। तो ये कहना कि मुसलमान उनको नेता मानते ही नहीं, उनको वोट नहीं देते, वोट मिलने और ना मिलने से कोई नेता नहीं होता। लीडर और नेता वो होता है जो कौम के लिए हर सिचुएशन में हर हाल में खड़ा रहे और कभी भी अपनी ताकत के एतबार से पीछे ना हटे, कोशिश करे कौम और मिल्लत के लिए, वो लीडर और वो नेता होता है। ना ये कि जिसको वोट मिल जाए वो लीडर और वो नेता बन जाए।